गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यूट्यूब चैनल के हिटलर एकेडमी पर आप सभी लोगों का स्वागत है। ओके गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइस, जैसा कि हम नरेशन के बारे में पढ़े थे, नरेशन के फर्स्ट रूल के बारे में हमने पढ़ लिया था। प्रोनाउन चेंजिंग का जो फर्स्ट रूल था उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। प्रोनाउन चेंजिंग का जैसा कि फर्स्ट रूल है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ओके गाइस, आज हम जो है प्रोनाउन चेंजिंग के सेकेंड रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोनाउन चेंजिंग के सेकेंड रूल्स के बारे में, रूल नंबर सेकेंड। जैसा कि हमने बताया है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ओके गाइस, जैसा कि ये प्रोनाउन चेंजिंग का आपका सेकंड रूल्स है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ओके, एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखते हैं, जैसे ही सेज टू मी कामा इनवर्टेड कामा यू आर डूइंग योर वर्क। ओके गाइस, ही सेज टू मी यू आर डूइंग योर वर्क, इसको हम चेंज कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू को टेल्स में चेंज कर देंगे। ही टेल्स मी, कमा वर्ड कमा हटाकर दैट लगा देंगे, दैट यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, यू चेंज होगा मी के अनुसार। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि यू को जो है आपका नरेशन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों माना गया है, तो हम इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसे हम सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ओके, तो यू ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू आर डूइंग योर वर्क, आप अपना काम कर रहे हो, यानी कि यू यहाँ पर क्या है आपका सिंगुलर है और यह मी के अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यानी मी के अनुसार चेंज होगा। मी को भी सिंगुलर ही माना गया है, अतः हम इसी मी को हम क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे। मी आपका ऑब्जेक्टिव केस है, ये आपका नॉमिनेटिव केस है, ये आपका क्या ऑब्जेक्टिव केस है, ये नॉमिनेटिव केस है। यहाँ पर जो आएगा ये मी का नॉमिनेटिव केस आएगा, मी का क्या आएगा, नॉमिनेटिव केस। और मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई होता है, क्या होता है, आई। ओके, तो आई के साथ क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब, एम लगता है, आई एम डूइंग। योर भी चेंज होगा इसी मी के अनुसार, योर आपका पजेसिव केस है और ये आपका जो है ऑब्जेक्टिव केस है, यानी यहाँ पर जो भी आएगा वह मी का क्या होगा, पजेसिव केस आएगा। योर आपका पजेसिव केस है, मी आपका ऑब्जेक्टिव केस है, यानी ये चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर जो भी आपका प्रोनाउन आएगा मी का पजेसिव केस आएगा। मी का पजेसिव केस क्या होता है, माई होता है, माई वर्क। ओके गाइस, आपको समझ में आ गया, ही सेज टू मी यू आर डूइंग योर वर्क, चेंज करेंगे, he tells me that I, you change होगा मी के अनुसार तो I हो जाएगा, I am doing my work, I am doing my, जो आपका your है वो मी के अनुसार चेंज होगा। मी आपका जो ऑब्जेक्टिव केस है, your आपका पजेसिव केस है, अतः यहाँ पर जो भी आएगा मी का जो है पजेसिव केस आएगा, तो मी का पजेसिव केस क्या होता है, my होता है। ओके, डू यू अंडरस्टैंड, वेरी वेल। अब हम एक और एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसा कि he says to boys
कमांड रूटेड कमांड यू आर यू विल प्ले हॉकी। ओके एक एग्जांपल और देखते हैं। ही सेज टू बॉयज उसने बच्चों से कहा लड़कों से कहा यू विल प्ले क्रिकेट आप लोग क्रिकेट खेलोगे आप लोग क्रिकेट खेलेंगे। ओके अब चेंज करते हैं सेज टू ही सेज टू का क्या हो जाएगा टेल्स बॉयज कमांड का हटा कर दैट लगा देंगे। यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के साथ चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। यू आपका क्या है यहाँ पर प्लूरल है और ये चेंज होगा किसके अनुसार बॉयज के अनुसार। हम ऐसा नहीं कि यहाँ पर बॉयज को लिखेंगे प्रोनाउन आपका हम ये बॉयज जो है आपका थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में आता है ये थर्ड पर्सन के जैसा कि हमने बताया कि ये आपका थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन का जो प्लूरल होता है वह क्या होता है आपका दे। थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है आपका दे होता है। अतः हम क्या करेंगे इस यू की जगह पर जो है थर्ड पर्सन के प्रोनाउन दे को रखेंगे दे विल प्ले हॉकी। ओके गाइस तो आपको ये समझ में आया होगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। पापा पर इवन है।